यहाँ पे आ रहा है। जब बांध वगैरह में पानी ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे राजस्थान में बांध है उनमें पानी ज़्यादा हो गया, तो क्या करते हैं इस चंबल में पानी छोड़ देते हैं जी। जब इसमें पानी छोड़ देते हैं तो जैसे अभी बहाव है, अभी भी इसमें पानी ज़्यादा है, तो ये क्या करती है कि अपने आकार को बढ़ा देती है, पानी को ऊपर ले आती है। जैसे वो पानी को ऊपर ले आएगी तो फिर आप देख रहे हो फसल का क्या हाल होगा, और जैसे ही पानी वहाँ से बांध से बंद हो जाएगा, इसका पानी कम हो जाएगा, वापस चली जाएगी। देख लो फसल का नुकसान तो आप देख सकते हो कितना बड़ा नुकसान है, कितनी फसल बर्बाद है। जहाँ से अभी हम उतरे हैं ना, जहाँ पे हेडपम्प था वो हेडपम्प दिखाई नहीं दे रहा था, उसके ऊपर जो घर हैं उन घरों में पानी भरा हुआ था, इतनी हाइट तक था पानी। अब देख लो अभी जैसे ये बाजरा नहीं है, जैसे बाजरा वगैरह नष्ट हो गया ना, अभी इसमें क्या करेंगे, सरसों का बैठ, सरसों कर देंगे, बहुत तगड़ी सरसों होगी। सरसों कोई साग ना? हाँ साग वाला। अरे सरसों का तेल नहीं लगाते? हाँ हाँ। और ये सब्जियाँ चढ़ने के बाद में, और पानी जब उतरा तो उसने अपना रास्ता बनाया, रास्ता बना करके वापस नदी में चला, रास्ता देखा, रास्ते से ठीक है। आ जाओ आगे और थोड़ा सा बताते हैं। अबे तो है बढ़ावा पंडित जी, अबे तो क्योंकि अगर आपको वहां ले जाते घाट पे जो रोड के पास है, वहां पे आपको ये सीन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे क्या है, रोड है आने जाने की, तो इसलिए वहाँ ये भी बोलो इस लेवल से लेकर वहाँ तक कितनी हाइट है, तो कितनी पानी की मात्रा होगी देखो। हाँ देख लो इस जगह से लेकर अभी पानी बढ़ा हुआ है, देखो पानी अभी बढ़ा हुआ है, नहीं वो जो किनारी है ना उन किनारी पे पानी नहीं रहता। कल करना थी? अच्छा अच्छा रात में पड़ेगा जी, सब खेती बाजरा नष्ट हो गई, सब फसल नष्ट हो गई, खेत भी सबरे नष्ट हो गए, खुद का सबरे गड्ढा हो गए, और हम खेती का काम कर दिया, अब क्या करेंगे, सरसों भी नहीं हो सकती, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, अब तो नष्ट हो गई ना फसल आती, तो घर में गेहूं क्यों चले गए, सब चले गए, कुछ नहीं रहा है, गीले आज भी ना हमारे लाली भाई तो कर्म रहते थे फसल में कुछ होता था ना, और चेतक इंतजाम शासन करे तो बचता नहीं, हम तो मरे ही उनके प्यार से, कांची को कद दे ना रहो कांची लामे तुम्हारा बिल देख गाँव कैसे तो कहीं झूठी कहेंगे तो वो देव का खुल ना, तो कोई विधायक को सुने और ना कोई सरपंच सुने, अब हम बैठते हैं विधायक साहब अंबई में, सरपंच साहब बैठते हैं, कोई सुनाई सुनाई नहीं, बोले बगैर मैं कचुआ सन ना तुम्हें तो कहा तुमको हमें रखा दे तुम्हें वहाँ कछुआ सन ना तुम्हें वोट नहीं को मैं धपा ठेका कर लेते कहीं जैसे कोई कर्मचारी कहूँ वोट की बनी आज आज कर देते साहब, और फिर हम अंडा देते कर्मचारी ना, तो हमारा कुआ लेकर आएगा, कुआ बोर चला गया साहब बिल्कुल नष्ट हो गया, उसकी कोई सुनाई दुनाई नहीं, बाजरा फसल चली गई साली, और पशु वगैरह सब बह गए, जहाँ बकरी कई बह गई उनकी कोई सुनाई दुनाई नहीं, ये जमीन में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सूखेगी नहीं तो क्या हुआ,
पशु मर रहे भूखे प्यासे करो वहां करी भज जाए ना यहां अपनो करो का रहो साहब यहां तो गरीब मान से बिल्कुल निर्जीव समझो अपने पेट पालना जई मैंने कहा तो पजा ले दो जाते ने यहां बुत है नहीं कोई अरे गांव के कछु तो बैग होते के तो पशु काट गए तो बैग होते जो माना तो बेरा गई चले होते फिर इसने बचाई कहता तो है कि अच्छा लगता है शेयर बाजार में लेकर शेयर बाजार में अपनी इनकम क्या है क्या खा सकते हैं किससे गुजारा कर चला सकते हैं पढ़े लिखे तो अपने बच्चे पढ़े भी नहीं है यदि पढ़े लिखे होते बच्चे तो कुछ उनके सारे कुछ करते बाय रोज रोटी जाए जे करे दूध फूदा पर चला जात ने का और बस और चार पत्ता पर मैं से दूध कछु गेहूं फेर आया था बाजार आज रात भाई से गुजर चल रही है और खेती तो है नहीं दोबी का खेती के लेकिन फिर भी बीपीआर कार्ड देगा टावर से जी और जिसके पास खेती नहीं है उसके पास भी बीपीआर कार्ड जिस पे खेती करने के पास बीपीआर कार्ड है हमारे पास खेती नहीं है हमारे पास बीपीआर कार्ड नहीं अभी मोड़ी का ऑपरेशन हुआ तो बाल खराब है तो बीपीआर कार्ड होता तो फ्री में दवाई आ जाती 3 लाख रुपये का जिन्हें कार्य लगाओ नहीं अगर आपको बोले कि शहर में जाके रहने का मौका शहर में कहीं नौकरी 2 रुपये की मिलती है कहीं नहीं मिलेगी 1000 रुपये नहीं मिलते कहीं भी और कहीं भी मेहनत मजदूरी तो करते हैं ठीक है लेकिन कहा है आजकल कहीं भी चले जाओ नहीं तो 5000-6000 रुपये खा पी लेते फिर बचेगा क्या 10000 रुपये नहीं बचेंगे तो बाहर कार ले लेंगे मैं देखो 5 बहन जो कैसे भाई पूरे 5 गले गए बहन जो क्या चीज किसी विशेषता ये है कि सादा जीवन है दूध घी जो है शुद्ध मिलता है खुला वातावरण है जो गरीब लोग हैं उनके पास नहीं है वो भी व्यवस्था गांव में हो जाती है जिसको बाजार में नहीं हो सकती बगैर पैसे की लकड़ी है तो माँ गैस नहीं है तो खाने के लिए बैठे रहो या लकड़ी जला के अपने आराम से खाना बना सकते हो ये सादा जीवन है और बहुत अच्छा जीवन है आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप शहर जाके शिफ्ट हो मतलब वहाँ रहने लगे गांव छोड़ दे शहर में अधिकांश पैसों वालों का काम है गरीबों का नहीं गरीबों का गुजारा जो देहात में हो जाता है वो सिटी में नहीं होता है और शहर से आपके रिलेशन कैसे है रिलेशन तो सामान वगैरह जैसे बाजार करना तो वहाँ से ले आते हैं शहरी लोग भी आते हैं यहाँ पे मतलब शहरी लोग भी आते हैं अब लड़का वगैरह है तो वो शहर में रहते हैं और घर पर भी आते हैं
इस काम के अलावा कोई खेती वगैरह भी करता हूँ? खेती वगैरह खेती नहीं करते, मजदूरी है। और ये टोकरियाँ ही बनाते हो? जी टोकरी बना लेते हैं, मजदूरी मिल जाते वो भी कर लेते हैं। ये किस काम आती है? ये बाजरा माजरा कटेंगे वो भी काट लेंगे। ये किस काम आती है? जी कामें आती है, जैसे पोए चौपे है ना, भुस डालो, जैसे अपने ब्याह काजन में पूड़ी उड़ी भर लो। तो ये मार्केट में जाके बेचते हो? नहीं, गाँव वाले ले लिए। गाँव में तो आपका जो पैसे कमाने का एक यही जरिया है क्या? तो क्या करे साहब, खेती वेती आप लोग नहीं करते? कुछ नहीं, सिर्फ मजदूरी। मजदूरी चलो हो गया। तो भाव लेना चाहोगे आप? हमारा को गेहूँ ले लेता हूँ, सिर्फ नहीं जाते, शहर नहीं जाता, यही अपना कमाया तो मुझे था, पेट भरना है, क्या करें जी। और आपने क्या की बकरियां या भेड़ बकरे पालते हैं आप लोग इसे? हाँ, भेड़ पर महंगी। और खेती बाड़ी यहाँ पे? खेती बाड़ी में। तो खेती बाड़ी के सिवाय आप लोग फिर क्या क्या काम करते हैं, आप अगर बता सके तो? जी पता नहीं, तो काटे आओ तो बाजरा है, गेहूँ है जी, जब ना मजूरी करी आओ था, अब जो मजूरी चलने लगी जी मजूरी कर लेंगे जी जी। और वरना फिर वो टोकरियाँ आप बेचते हैं? टोकरी भी बेच के? टोकरी हम बनाती रही, पिताजी बनाते। अच्छा, आपके पिताजी बनाते हैं। जो बाढ़ आती है या अतिवृष्टि होती है, अति बाढ़ आती है, उसमें कोई पंचायत के लिए अलग से फंड नहीं होता या प्रावधान नहीं होता है कि उनको हितग्राहियों को लाभ दिया जाए। होता क्या है, जैसे हितग्राहियों को कोई आपातकाल में क्या होता है, जैसे बाढ़ आई, अचानक उसका घर ध्वस्त हो गया, तो पंचायत को उतना पावर नहीं है जो कि घर बनवा सकती। लेकिन होता जो है, पंचायत को इतना पावर है कि जब बाढ़ पीड़ित बाढ़ की चपेट में आता, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह यदि रहना चाहता तो उसको अपन आबादी क्षेत्र में या राजस्व क्षेत्र में अपन उसको पट्टा मकान बनाने के लिए दे सकते हैं, ये पंचायत के लिए पावर होते हैं। अन्यथा वैसा कोई लाभ देना चाहें तो घर की तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, या 10% में कुछ भी आपातकाल में जो होता है उसको कर भी देते हैं, ये रहता उसका रास्ता विस्ता है के लिए। आप देख भी आए हैं, गार्डन पे आता है तो हमारा लड़का लगे भी लायक हो, लगा ली नौकरी से, मैं लगा ली नौकरी से, रोज को करने खाने वाला आदमी। तो आपकी कोई फैमिली में ऐसा है जो बाहर शहर जाता हो काम करने के लिए? हाँ, जाते हैं। अब जाता है कि बाहर शहर को जाता है तो भाई मजबूरी मिलती है, पढ़े लिखे भी नहीं थी, वहाँ नाती तो पढ़ाई लगो, मैंने गधा मजबूरी है घर पड़े आदमी की, नाती तो मैंने पढ़ाई लो लेवाई में जा, लेवाई वाले आता है मंगला धल लेता है आए के, तो बेजूटी ने कहने भी कहा था कि मैं ले लेते हैं नाती को, हमारे में कम ही है, हाँ हमारे में कम बताओ हम ले लेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो फिर आप कैसे करते हैं गुजारा? बस वही करना पड़ता है, किसी से कर्जा ले लो, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। एजुकेशन थोड़ा कम है, सबसे बड़ी समस्या ये है एजुकेशन की। तो आप अपने बच्चों को फिर कैसे पढ़ा रहे हैं? बच्चे हमारे आरबी एल में जा रहे हैं, उनको तो पढ़ाएंगे, हम मेहनत करेंगे लेकिन उनका भविष्य नहीं ख़राब करेंगे, उनको बना देंगे भविष्य, लेकिन हमारी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमको हो गया। तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं अभी, तो आप क्या चाहोगे आगे आने वाले टाइम में, वो गांव में ही रहे या शहर जाके? बस हमने ज़्यादा गांव में रहे बच्चे। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए कि नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो कहीं बाहर रहेंगे, उनका गुजर बसर होगा, यहाँ क्या करेंगे? तो फिर गांव खेती में क्या, खेती में क्या दो वक्त की।
सारा।